मैं हूं तृप्ता आर्या, इंडिया जी टीम में आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम खास मुलाकात में। खास मुलाकात में हम आपका परिचय उस शख्सियत से करवाते हैं जिन्होंने अपने बलबूते में समाज में एक अलग स्थान हासिल किया है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ मौजूद रहेंगी दिल्ली पुलिस स्पेशल कमिश्नर गरिमा भटनागर जी। मैम, इंडिया जी टीम में बहुत बहुत स्वागत है। मैम, एक एक्साइटमेंट थी मुझे इंटरव्यू लेने की, क्योंकि मैंने आपको उस समय भी देखा काम करते हुए जब आप दिल्ली पुलिस में बिल्कुल यंग एज में थी, और आज भी बहुत लंबा समय बाद हम मिल रहे हैं। तो मैम, सबसे पहले क्योंकि हम शुरुआत करते हैं उस जमाने से जब आप IIPS बन के दिल्ली पुलिस में, मैम उस बारे में बताइए कैसे आना हुआ, कितना स्ट्रगल रहा? अच्छा, लॉन्ग जर्नी सिंस आई जॉइन द सर्विस। अब तो बहुत दिन हो गए सर्विस में आए हुए, ऑलमोस्ट 28 इयर्स आर ओवर। एक्चुअली आई वांटेड टू बी इन द सिविल सर्विसेज फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, क्योंकि मेरे फैमिली में काफ़ी सारे लोग सिविल सर्वेंट्स थे, तो जब हम उनका काम देखते थे, उनकी बातें सुनते थे, तो लगता था अरे वाह क्या अच्छी पोजिशन है, इट्स अ ह्यूज, यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। जैसे जैसे बड़े हुए, एज यू कम इन कॉलेज, सो एज अ यंग पर्सन यू वॉन्टेड टू चेंज द वर्ल्ड, यू वॉन्टेड टू मेक अ डिफरेंस टू द वे पीपल लिव्ड, यू ऑल्सो वॉन्टेड टू अचीव थिंग्स फॉर योर सेल्फ। तो ये सब चीज़ें मिल के एक सेल्फ मोटिवेशन जो है वो हुआ, और उसको देखते हुए देन आई सैट फॉर द सिविल सर्विसेज। और जब सिविल सर्विसेज हुए तो IPS वॉज वन माई प्रेफरेंस, सेकेंड प्रेफरेंस ऑन द टॉप, and it was my second preference for the very fact that people asked me ki why IPS, why don't you take other subjects, they are much more gender friendly and so on and so forth. So I said I want to be in the service because I love the uniform and uniform ko dekhte hi sab dar jaate hain, kyunki jab I was a student, so whenever I would see a police officer, you know, I would get a sense of confidence. At the same time, I would feel hesitant that I shouldn't do something wrong in front of a police officer. So I said that is the kind of image and that is the kind of authority that I want to have in terms of outreach of public, in terms of the changes that I can make. So jab service ki selection hua and IPS hua, so I was very happy, and then I joined the civil services. And in this, I must say that I was supported a lot by my parents. और उस समय बहुत कम लड़कियाँ थीं जो IPS चूज करती थीं, ज़्यादातर या तो IAS होती थीं या फॉरेन सर्विस में, या उसके बाद सीधा चॉइस होता था इनकम टैक्स एंड अदर सर्विसेज या रेलवेज ऑडिट्स एंड अकाउंट्स। तो जब किया तो सबने कहा कि बहुत मुश्किल होता है IPS में काम करना, क्योंकि यू हैव टू बी ऑन द स्ट्रीट, यू हैव टू कमांड पीपल। एज ऑफ नाउ मैं बात कर रही हूँ 94 की, कि अभी तक जो है लेडीज के उसमें IPS में आना उतना कॉमन नहीं है, और दूसरी बात यह कि तुम्हारी जो फोर्स होगी वो सारी की सारी मेल होगी ऑलमोस्ट, तो उनको कमांड एंड कंट्रोल करने के लिए यू हैव टू वर्क रियली रियली हार्ड, जितना मेल ऑफिसर्स काम करते हैं उससे बहुत ज्यादा। दैट वॉज So I said, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। And I'm happy to say I faced a lot of some interesting incidents, some challenges, but finally I think I've had a pretty okay tenure as an IPS officer, and I can say with pride that both the men and women listen to us and to me, and हम लोगों ने कई अच्छे काम किए as a team मिलके, as a part of Delhi Police, and That is how the journey progressed. मैम, जैसे कि आपने कहा था कि 94 के बारे में आप बता रहे थे, और आपने कहा तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। आपने किरण वेदी जी के साथ भी काम किया, आपने उनकी पुलिसिंग भी देखी, कितना मतलब मुश्किल था उस समय, क्योंकि अब देखा जाए उस समय के कंपैरिजन अगर उस समय का समय काफी टफ था। अब थोड़ा सा महिलाओं को काफी ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन उस समय आपके टाइम पे क्योंकि क्राइम भी था, आप लेडीज भी थी, जेंट्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना था आपको। सो इसमें एक्सपीरियंस इज अ मिक्स्ड बैग। उस समय होता यह था कि लेडीज थी, और जो चीज चैलेंजिंग होती थी सबको ये लगता था कि दिल्ली में, क्योंकि चैलेंजेस बहुत हैं, फायर फाइटिंग बहुत हैं, तो लेडी ऑफिसर्स को एडिशनल DCP तक तो बहुत स्पेस मिल जाती थी, पर DCP बनने में
थोड़ा चैलेंज होता था, क्योंकि एक तो सबको ये लगता था कि यू ऑलवेज हैव अ बेटर मेल ऑफिसर हु कैन डू इट, सो द चांस जो आपको मिलना चाहिए था वो चांस कई बार नहीं मिलता था, और जब वो चांस नहीं मिलता था तो आपका जो एक लर्निंग कर्व होता है वो इम्पैक्टेड होता था। सो उसको हम लोगों ने फाइट किया कि लर्निंग कर्व जो है उसको हमें भी समझना चाहिए, और वी शुड ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ दैट लर्निंग कर्व, नॉट ओनली द पुलिस मेल कॉलीग्स। और आई एम हैप्पी टू से दैट सम ऑफ द सीनियर्स दैट आई गॉट सपोर्टेड दैट व्यू, एंड आई गॉट माई चांस एज एडिशनल डीसीपी इन नॉर्थ, एडिशनल डीसीपी इन साउथ एंड एज डीसीपी ईस्ट। पर जो चीज बहुत उस समय तवज्जो वाली थी वो ये थी कि आपको हर चीज के लिए बहुत मेहनत और जद्दोजहद करनी पड़ती थी, और अभी जब मैं देखती हूँ कि दिल्ली पुलिस में ऑलमोस्ट 50% ऑफिसर्स हैं एट द जॉइंट सीपी लेवल भी, डीसीपी लेवल भी, सो दैट इज अ लॉन्ग जर्नी विच द दिल्ली पुलिस हैज अंडरटेकिंग। मैम जब आप नॉर्थ में थी, मैंने आपका काम करने का तरीका तब देखा था, मैं काफ़ी इम्प्रेस हुई थी कि एक फीमेल ऑफिसर इस तरीके से टैकल करती है, और खासकर आपका जो वे ऑफ टॉकिंग था उस समय अपने स्टाफ से, बहुत पोलाइटली बात करना, उनकी बातों को सुनना, शायद आपको याद नहीं होगा क्योंकि कई बार हम ऐसे बैठे रहते थे और हमारे जहन में वो आपकी जो छवि है आज भी बरकरार है। तो मैम किस तरीके से मैनेज करती, क्योंकि एक जो स्टाफ होता है उसका भी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई हम इंटरव्यू लेने से पहले मैम स्टाफ से भी बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि आप के बारे में पूछे, लेकिन सब आपकी बड़ी तारीफ यहाँ पर कर रहे थे कि मैम बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छे तरीके से बात करती है, हर चीज को समझती है, लेकिन मैम उस चीज को भी मेंटेन रखना है स्टाफ को भी और अपने काम को भी, किस तरीके से एक मेंटेन कर पाती हैं आप? ये एक बड़ा मिसनोमर है और एक एक प्री कंसीव नोशन है कि जो पुलिस ऑफिसर होते हैं दे आर रफ एंड रेडी, और उनकी जब तक जबान में, लैंग्वेज में, चाल ढाल में एक रफनेस नहीं होगी या एक कड़कपन नहीं होगा, दे कांट बी सक्सेसफुल ऑफिसर्स। अनफॉर्चुनेटली आई डोंट बिलीव इन दैट स्कूल, क्योंकि मैंने देखा है कि ज्यादातर जो सीनियर ऑफिसर्स हु हैव बीन वेरी वेरी सक्सेसफुल, मेजॉरिटी ऑफ देम हैव बीन वेरी सॉफ्ट स्पोकन विद देयर टीम मेंबर्स। जब डांटने की बात आती है तो डांट भी पड़ती है, पर इन द रेगुलर कोर्स हम लोगों को एक कोई आउट ऑफ द वे जाके रफ टफ होने की जरूरत नहीं है, आप वही काम, वही डिसिप्लिन, वही कोऑपरेशन, टीम स्पिरिट तब भी कर सकते हैं जब आप एक नॉर्मल लैंग्वेज में उनसे बात करें। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उनको एक बार गोल क्या है वो उनको समझा पाएं और उनको कह पाएं कि हमें ये अचीव करना है फॉर द गुड ऑफ आर ओन टीम एज वेल एज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें एक बार उन लोगों को गोल समझ में आ जाता है और डायरेक्शंस आप ठीक से दे देते हैं तो उसके बाद आपको किसी के साथ कोई बहुत ज्यादा रफली बात करने की या बहुत टफ अपीयर करने की उसकी जरूरत नहीं होती है। जनरली लोग जो है आपके इंटेंशन को एक बार समझ जाते हैं तो दे वर्क ऑन देयर ओन, और उसके अलावा जो इनडिसिप्लिन या कुछ ऐसी वारदात हो जाती है या कोई काम नहीं होता है, so there are many other ways of handling those things through paperwork, through counseling, through other disciplinary measures. आपको गाली गलौज करने की और रफ टफ होने की जरूरत नहीं है। मैम दिल्ली पुलिस में आपको 28 साल हो गए, मैम कोई एक ऐसा केस जो आज आपको याद आता और आपको याद दिला देता कि कितनी मशक्कत करनी पड़ी थी इस केस को, कोई दो तीन ऐसे केस, क्योंकि दर्शक जब देखते हैं किसी सीनियर ऑफिसर का तो उनकी ये डिमांड रहती है कि कोई एक ऐसा केस जिसे सुनने में भी बहुत मजा आया और किस तरीके से वो सॉल्व हुआ था, किस तरीके से वो सॉल्व हुआ था। ऑफ हैंड तो मुझे ऐसा कोई केस याद नहीं आ रहा है, पर हाँ क्योंकि मेरे टाइम में आई वॉज फॉर्चुनेट कि कोई ऐसा सनसनीखेज कारनामा हुआ नहीं था, उससे थोड़ा पहले हुए और थोड़े बाद में हुए। पर एक केस जो मुझे याद आता है, हम लोगों को एक इंफॉर्मेशन मिली, हमारे नॉर्थ में मैं थी सो हमारे एक इलाके में, आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ द इलाका, पुरानी दिल्ली के एक इलाके में एक रॉबरी, बहुत बहुत बड़े अमाउंट की रॉबरी हुई, एंड वो दैट वाज अ रॉबरी प्लस भागते भागते उसमें जिसके वहां पे रॉबरी हुई उनको काफी चोट वोट भी लग गई थी,
और उस समय हमारे ऊपर बहुत प्रेशर आया कि इसको वर्कआउट करना है। अब अनफॉर्चुनेटली क्योंकि वो ऐसे टाइम में हुआ था विच वॉज लेट एट नाइट, और जो ओनर थे वो थे नहीं वहाँ पे गले पे उनका कोई मैनेजर बैठा हुआ था, और उसको भी काफ़ी चोट लगी थी और ही वॉज हॉस्पिटलाइज फॉर अ लॉन्गिश पीरियड। तो हम लोगों को समझ में नहीं आया कि हम लोगों को सुराग मिले तो कहाँ मिले, और उस पर हम लोग को हर तरफ से पॉलिटिकल प्रेशर, सीनियर्स का प्रेशर, बिकॉज इट वॉज वर्थ लाइक 3-4 crores उस समय, बहुत बड़ा अमाउंट था। और तो हम लोगों ने जो था पूरे इलाके के, आई रिमेम्बर हमने सारी अपनी हिस्ट्री शीट्स, सारे क्रिमिनल्स, सारे जो जेल में थे, जो जेल से बाहर आए थे, जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स थे, सारी की सारी हमने अपनी छान बीन करके कि इनमें से कौन असर हो सकता है। और अल्टीमेटली जब हम लोगों को ये पता चला कि इसमें से तो कुछ सुराग नहीं मिल रहा है, तो हम लोगों को एकदम से सुराग मिला कि एक बीसी के घर में कुछ सामान बरामद हुआ है चोरी का। एंड जब हम लोग वहां पे गए वो चोरी का सामान लेने के लिए, तो उसमें से कुछ आर्टिफैक्ट जो थे वो उस दुकान से नहीं चोरी हुए, तो उसने कहा ये मेरा सामान नहीं है। सो फॉर्चुनेटली उस टीम में वही एक जना था जो कि इस रॉबरी में कनेक्टेड था, तो उसने कहा कि मैम ये शायद उस केस के जो प्रॉपर्टी वो है, उन्होंने बताया है कि रॉबरी में गया है, मैं एक बार उससे मैच करता हूँ। और जब मैच किया तो वी फाउंड दैट पर्सन के बेटे ने, हु वाज अ बडिंग क्रिमिनल इन दैट एरिया, ही वाज द वन हु हैड मास्टरमाइंडेड दैट रॉबरी एंड ही वर्क्ड विद वन टेम्पररी वर्कर इन द सेट्स बिजनेस। और उसमें जब हम लोग, तो हम लोग के पसीने पसीने हो गए क्योंकि फॉर 6 months वी हैड नो क्लू, और हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था इतने बड़े अमाउंट को कि रॉबरी को हम केस को ना एफआर फारिग कर सक बंद कर सकते हैं, ना हम चालान कर पा रहे हैं, और प्रेशर दना लगातार बने जा रहे हैं। और हम लोग की काफ़ी उसमें वो भी हुआ कि रेप्यूटेशनल वो भी था कि आप इतने बड़े उसको नहीं कर पा रहे हैं, इट वॉज अ वेरी प्रोमिनेंट बिजनेस मैन ऑफ द एरिया, तो एक आध धरना प्रदर्शन भी थोड़ा सा हो गया कि पुलिस इज नॉट एबल टू सॉर्ट इट आउट, बट दैट इज हाउ इट गॉट सॉल्व्ड एंड दैट इज व्हाट आई रिमेंबर। आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और इसे वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल केसेस, कि जहाँ पे एकदम लीड बंद हो गई और फिर ओपन हो रहा है एकदम से ओपन हुआ। ऐसे ही एक और केस दैट आई रिमेंबर वॉज दैट ऑफ अ डिकोइटी केस इन साउथ डिस्ट्रिक्ट, एंड इन दैट वी गॉट अ कंप्लेनेंट जो एक गाड़ी में हाफता हुआ था, कपड़े फटे हुए वगैरह लेके हमारे पास आया, और उसने कहा कि मुझे कौन सा मोड़ था आई डोंट रिमेम्बर नाउ, वहां पे मुझे अंधेरिया मोड़ यस, वहां पे हमको जो है रोक के मेरे सारा जो मैं सम कैश है वो भी ले लिया और मुझे बहुत मारा पीटा। तो हम लोग जो थे पशु पेश में की टाइम दिन का था, दिन के टाइम में कोई जना कैसे हो सकता है कि इतना हो और कोई नोटिस नहीं, तो हमारी टीम भी गई वो कि ढूंढने के लिए कि क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, लेट अस नो। सो वहाँ पे हम लोगों को बाय चांस एक फैमिली थी बंजारों की जो कि सिविल काम कर रहे थे, दोपहर थी, भरी दोपहर थी, तो हम लोग गए तो हमने उनसे पूछा कि यहाँ पे कोई वैन आई थी और जिसके साथ डकैती हुई और मारपीट हुई, तो उसने कहा कि नहीं हुआ ऐसा, पर उसने हमको यही वाक्या मौका बताया था। तो हम लोगों ने बहुत सोचा कि क्या हो सकता है, उसने कहा मेरे आँख में मिर्ची भी डाल दी है। पता ये चला कि ही वॉज कैरिंग कैश ऑफ हिज सेट एंड उस पॉइंट पे आके ही वॉन्टेड टू टेक दैट मनी क्योंकि उसके ऊपर बहुत डेट था। तो उसने क्या किया, उसने जाके हाँ, और उस फैमिली ने बताया कि पर हाँ एक आदमी आया था दूसरे आदमी के साथ, उसने दूसरे आदमी को बोला मुझे पीटो, मेरे कपड़े फाड़ो, और अपनी आंख में उसने मिर्ची डाल दी थी जो हमें समझ में नहीं आया, और फिर वो लोग वापस चले गए। तो जब इसकी शिकायत आई, इसका डिस्क्रिप्शन वैसा ही था, तो हम लोगों ने कहा ऐसा तो नहीं कि इसी ने जो है अटेम्प्ट रॉबरी का करके ही इज गिविंग अ फॉल्स कंप्लेंट। तो हम लोग जो थे गए, और उस समय वहां पे छोटे बच्चे थे, दो फैमिली थी, वो बहुत डर जाती थी पुलिस को देख के, तो एसएचओ के सामने तो उसने मुंह खोला नहीं फैमिली ने, और उसने कहा कि हम लोग कहाँ पड़े,
पर फिर आई रिमेम्बर आई वेंट विद अनदर लेडी कांस्टेबल इन माय सीवीज एंड स्पोक टू देम आफ्टर. जब पुलिस हम लोग की टीम भी वापस चली गई, हम दोबारा गए, दोबारा हमने पूछा, तो एक छोटा जो उसका बच्चा था उसके मुंह से निकला कि यहाँ पे एक अंकल आए थे जिन्होंने ऐसे ऐसे किया. तो हमने कहा कि आप उनको पहचान लेंगे क्या? तो बोले कि हाँ हम पहचान लेंगे. तो हम इसको जब हम लोग लेके गए, इसको नहीं पता था कि हम उसको आमने सामने करवा रहे हैं. हम लेके गए वहां पे, हमने कहा अच्छा बताओ वाक्य में क्या हुआ, कैसे हुआ. तो उसको उतारा, उसने वाक्य देखा, वो फैमिली वहीं पे थी. उन्होंने जो था हमको बताया कि हाँ यही चला है. सो दैट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस. एंड बिकॉज आई वॉज अ न्यू एडिशनल डीसीपी, सो फॉर मी इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग कि लोग ऐसे भी कर सकते हैं. मैम उस समय रॉबरी भी बहुत बड़ी मानी जाती थी अगर के बहुत. यस एंड इट वॉज रॉबरी कम डिकॉइटी. तो डिकॉइटी थी तो फिर और भी ज्यादा वो था. तो उसमें पता चला कि डिकॉइटी तो नहीं थी, वो ही दो जने थे, पर अपने ऊपर ही एलिगेशन लेके. एंड दैट वॉज ऑल्सो वेरी ह्यूज अमाउंट, आई डोंट रिमेम्बर नाउ, वॉज अबाउट 1 to 2 crore के बीच में कुछ था. सो ऐसे भी केस थे. सो दीज आर टू वेरी इंटरेस्टिंग केसेस, बट अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैव केसेस व्हिच आर रियली बिग. मैम आप दिल्ली पुलिस में तो रहे, मैम आपने यूएन में भी काम किया, विदेशों में भी रहे, मैम कितना फर्क होता है एक क्योंकि दिल्ली पुलिस कहा जाता स्मार्ट पुलिस, काफी इम्प्रूव हुआ है पहले के मुकाबले, लेकिन आपका ज्यादातर टाइम जो है वो विदेशों में निकला है, आपने विदेशों में ज्यादा काम किया, तो कितना डिफरेंस लगता है काम करने के तरीके से, कितना कुछ यहाँ से आपने सीखा और वहां पर, मतलब कितना डिफरेंस? ज्यादातर टाइम तो बाहर नहीं था, पर हाँ 6-7 साल बाहर रहे यूनाइटेड नेशंस में. देखिए असली पुलिसिंग तो हमने दिल्ली पुलिस में ही सीखी. और पुलिसिंग सिस्टम्स क्या होते हैं, पब्लिक आउटरीच क्या होती है, कम्युनिटी में जाके आप अपने कैसे सोर्सेस पैदा करते हैं, और आईज एंड ईयर्स पब्लिक कोऑपरेशन, ये सब हम कैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करें. तो वो जो बेसिक पुलिसिंग के सिस्टम्स होते हैं वो तो आप यहीं पे सीखते हैं. सो ये वहां पे जाके ट्रांसलेट होके फायदा यूं देते हैं कि आप पुलिसिंग सिस्टम, उसके लॉज, रेलेवेंस ऑफ द कोड्स, प्रोसीजर्स, प्रोसेसेस, वो आप यहाँ पे सीखा मैंने. जब हम वहां पे गए तो हमको खुद नहीं करना था वो. हमें उसके बेसिस पे जहां पे यूनाइटेड नेशंस के मिशंस थे और जिसमें पुलिस का मैंडेट था, हमारा काम था कि हम वहां पे जाके उन मिशंस के लिए पुलिस ऑफिसर्स पूरी दुनिया से सेलेक्ट करें, उनको मिशंस में भेजें, और फिर हम एक बेंचमार्किंग और पुलिस परफॉर्मेंस का जो मैंडेट है उसके हिसाब से पुलिस को क्या क्या उस कंट्री में करना है, हम लोगों को वो का टास्किंग थी. हमारा काम था कि हम अपने पुलिस ऑफिसर्स को एक एक्शन प्लान दें कि किस तरीके से वो ब्रोकन डाउन नेशन जहां पे मिशंस हैं उनकी पुलिस को दोबारा कैसे रिवाइव करें. तो उसके लिए जरूरी था क्योंकि उनके सिस्टम्स बिकॉज ऑफ सिविल वॉर और व्हाटएवर रीजंस एकदम बिखर गए थे. तो जब आपके सिस्टम्स बिखर जाते हैं तो उनको दोबारा टुगेदर करने में बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि एवरीबॉडी डेवलप्स अ वेस्टेड इंटरेस्ट इन ब्रोकन सिस्टम्स. तो वहां पे पुलिस को दोबारा से रीट्रेन करना, दोबारा से एक फोर्स को बिल्डअप करना, और जो आपको मैंडेट मिला है उसके बेसिस पे दोबारा से एक डेमोक्रेटिक और प्रोफेशनल पुलिसिंग स्ट्रक्चर को लाना इज अ वेरी चैलेंजिंग टास्क. तो मेरा काम था कि हम वहां पे जाएं, उन सिस्टम्स को एस्टैब्लिश करें, उनका असेसमेंट टाइम टू टाइम करें कि हम कितने सक्सेसफुल हुए, और उसके बाद फिर सिक्योरिटी काउंसिल को रिपोर्ट बैक करें. सो यहाँ पे जो हमने काम सीखा वो वहां पे फायदा इसलिए कि हम वहां पे उसको मैक्रो पिक्चर में कन्वर्ट कर पाए, बेंचमार्किंग कर पाए, परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कर पाए, और कहाँ सक्सेसफुल है नहीं है वो कर पाए. तो जब उसके बाद में दोबारा यहाँ पे आए तो यहाँ के सिस्टम्स को भी एक दूसरे नजरिए से देखने लगे हैं. हमें भी शायद थोड़ा बहुत बेंचमार्किंग करना, थोड़ा परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को बढ़ाना, थोड़ा ज्यादा सिस्टम वाइज डेवलप करना पुलिस को, वो चीजें दिखाई देने लगी. एंड इट इज ऑलवेज गुड क्योंकि वहां पे आपके पास दुनिया के सब देशों से लोग आते हैं. तो मैम कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि हर तरीके के वहां पे देश के लोग थे और आपने उनके साथ काम किया.
जैसे कि हम लोग लेटेस्ट ऑफ हमारा एक मिशन था, तो उसका मैंडेट हम लोगों को मिला कि आपको वहां पे जाके पुलिस को एक ट्रेनिंग देनी है टू मेक श्योर कि वो पुलिस इज मोर बिकम्स मोर डेमोक्रेटिक, वो ह्यूमन राइट कंप्लायंट हो, और तीसरा जो है उसकी कम्युनिटी पुलिसिंग स्ट्रेटेजी हो, तो कम्युनिटी आउटरीच हो, कम्युनिटी का ट्रस्ट वो गेन कर पाए। तो उसमें हम लोग थे, टीम थी मेरी, मैं थी और हमारे मेरे अंडर दो मैनेज मिशन मैनेजर्स थे, एक जो था मिशन मैनेजर ही वाज फ्रॉम जर्मनी, दी अदर मिशन मैनेजर ही वाज फ्रॉम घाना। अब घाना का सिस्टम ऑफ पुलिसिंग वाज वेरी डिफरेंट, स्वीडन का सिस्टम ऑफ पुलिसिंग वाज वेरी डिफरेंट, एंड आई हैड कम फ्रॉम इंडिया, माय सिस्टम ऑफ पुलिसिंग वाज अ थर्ड सिस्टम। तो मैम इन सबको क्लब करना कैसे, मतलब काम करना और क्लब करके वो, द ब्यूटी इज दैट यूएन हैज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस कि आपको उसके मुताबिक एक कंट्री में प्रोसीड करना है। तो वो गाइडलाइन इज वेरी गुड, पर उसके अंदर भी जो प्रोसीजर्स हैं वो यू हैव टू इन्वेंट। सो हम लोगों को जो वो प्रोसीजर्स थे उसको सेट करने में, उसको टुगेदर करने में हम लोगों, आई हैड टू रियली वर्क हार्ड विद बोथ ऑफ दोज ऑफिसर्स गिवन माई एक्सपीरियंस ऑफ पुलिसिंग, क्योंकि एक कंट्री जहाँ पे सिस्टम्स टूटे हों उसको आप एक्सपेक्ट करें कि एकदम जर्मन पुलिस की तरह सिस्टम में आ जाए विद द राइट काइंड ऑफ फंडिंग एंड द सिस्टम सेट, वो नहीं हो सकता। घाना हैज इट्स ओन सिस्टम्स दैट मे और मे नॉट बी एप्लीकेबल हियर, आई हैड कम फ्रॉम इंडिया सो आई वॉज नॉट वेरी श्योर। सो वहाँ के जो ऑफिसर थे ही सेड इफ यू डोंट माइंड, आपने ये सब हमको दे दिया है, लेट मी कम अप विद द सोल्यूशन फॉर यू। तो वहां का ऑफिसर जिसको हम ट्रेन करने वाले थे, वो हमारी तरह सीनियर थे, बट ही वॉज अ पार्ट ऑफ सूडान, लार्जर सूडान, देन साउथ सूडान केम इन टू एग्जिस्टेंस, सो ही ऑल्सो हैड एक्सपीरियंस ऑफ हिज ओन एज अ सीनियर ऑफिसर, देन सूडान एंड साउथ सूडान बोथ ऑफ द कंट्रीज वर वन। तो जब हमने उनकी बात सुनी तो वी रियलाइज्ड यस ही ऑल्सो हैज अ पॉइंट, एंड हम लोगों को ना जर्मन सिस्टम इम्पोज करना चाहिए ना गाना का ना इंडिया का, लेट्स वर्क विद हिम। तो हम लोगों ने फिर उनके साथ काम किया, बजाय उनको ट्रेन करने के वी गॉट सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन हाउ टू टैकल स्पेसिफिक सिचुएशंस इन अ कंट्री, व्हाट द पॉपुलेशन वांटेड, व्हाट वर द इश्यूज, चैलेंजेस उनके क्या थे, एंड दैट्स हाउ वी केम अप विद अ सिस्टम व्हिच वाज टोटली डिफरेंट फ्रॉम ऑल द थ्री हु वर द मेंटर्स फॉर दैट सिस्टम। So that those kind of experiences are precious. मैम ट्रैफिक में भी आप रहे, आप ट्रैफिक में आपके बारे में बोला जाता था कि गरिमा मैम कभी भी आ सकती हैं कहीं भी राउंड में। मैम काफी ज्यादा उस समय आपने बिल्कुल अपने हाथ में ट्रैफिक ले रखा था, मैं ये कहूंगी, क्योंकि जिस रात को आप ट्रैफिक के पूरी विजिलेंस के लिए आए थे, तो मैं पहाड़गंज में थी उस रात, तो मैंने पूछा क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि मैम आ रही है, तो बिल्कुल अलर्ट। मैम कैसे, मतलब एक खौफ भी देखा मैंने स्टाफ में, भाई आ रही है तो ट्रैफिक बिल्कुल सही होना चाहिए, वहां के जो बीट ऑफिसर थे वो पूरे अलर्ट में थे, उनके पास मैसेज जा रहा था आ गई ना, वो भी एक आपका पार्ट ऑफ लाइफ होता है, उसको कैसे मेंटेन करा जाता है, वो डर भी एक जरूरी है। मैम देखिए हमको किसी को डराना नहीं है, दिल्ली का ट्रैफिक चलाना दिल्ली पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की, और दिल्ली का जो ट्रैफिक है दैट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, हमारी जितनी सड़क स्पेस है उसके हिसाब से जो हमारा ट्रैफिक की वॉल्यूम्स हैं दे आर मच मच लार्जर, एक तो ये, दूसरी बात उसी सड़क पे आपकी गाड़ी जो कि 40-50 किलोमीटर पर आवर चलाने का होता है या 70-80 ओपन, उसमें वहीं पे आपका रिक्शा भी चलता है, वहीं पे आपकी साइकिल भी चलती है, वहां पे आपके स्कूटर मोटरसाइकिल भी चलते हैं, सबकी स्पीड पर किलोमीटर जो है बहुत डिफरेंट होती है। तो उसी रोड पे अगर आपके चैनल्स और वो नहीं होते हैं तो आपको मैनुअल इंटरवेंशन बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क टिल वी ट्रांसफर आवरसेल्व्स टू एन इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। तो उसमें कई बार ये पाया जाता था कि हमारे लोग जो थे एक स्कूटर को पकड़ के साइड में चलान करने लगे 3-4, और जो चौराहे हैं या जो प्लेसेस हैं वो अनअटेंडेड रह जाती थी। सो आई हैव डेवलप विद माय ऑफिसर्स अ सिस्टम दैट व्हाट आर आवर हॉटस्पॉट्स, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ एक्सीडेंट्स बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ कंजेशन, और उन हॉटस्पॉट्स पे जो कि एक्सीडेंट प्रोन है
या जो कंजेस्टेड है, या जहां पे यू हैव ओवर ब्रिजेस विच आर बीइंग वर्क्ड अपॉन, या सिविल एजेंसीज काम कर रही है, तो वहां पे ट्रैफिक जाम होंगे ही होंगे. सो वी शुड हैव पुलिस ऑफिसर्स इन ऑल दोस प्लेसेस. और बोलने में, डिप्लॉय करने में और एक्चुअली वहां होने में अगर आपको समन्वय चाहिए, सो दे शुड नो दैट द सीनियर ऑफिसर्स आर नॉट ओनली सपोर्टिंग अस और नॉट ओनली पनिशिंग अस, दे आर ऑल्सो विद अस. सो मेरा एक रूल था कि अगर हमारा ट्रैफिक अरेंजमेंट 8-9 बजे तक लगता है कहीं भी, सो आई शुड ऑल्सो इन द इवनिंग्स और इवन इन द डे और एनी पॉइंट ऑफ टाइम शुड बी आउट इन द फील्ड. उससे आपको ना सिर्फ ये पता चल जाता है कि जो आपका सिस्टम है वो ठीक से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, आपको एक लोगों की डिफिकल्टी भी समझ में आती है व्हेन यू सी द ट्रैफिक जाम्स, और तीसरा आपकी फोर्स भी अलर्ट रहती है कि हमको जो बोला गया है उसके ऊपर कोई नजर भी रख रहा है. मैम आपने ये बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे काम करने से ही आप लोगों की प्रॉब्लम समझ सकते हैं. मैम अब आपकी यंग एज में आते हैं, आप के पेरेंट्स का कितना सपोर्ट रहा, मम्मी पापा का, और फिर फैमिली में जब आते हैं बच्चे भी होते हैं, हस्बैंड भी होते हैं, किस तरीके से हम मैनेज करते हैं, क्योंकि पुलिसिंग 24 घंटे की ड्यूटी, फैमिली भी देखनी है वो भी 24 घंटे की ड्यूटी, सर का कितना सपोर्ट रहा और मम्मी पापा, क्योंकि बिना माँ बाप के कोई आगे नहीं बढ़ सकता. मैम वो हम जानना चाहेंगे आपके मम्मी और पापा के बारे में. I have been a very lucky person. I was the first child of my parents. I was the first grandchild of my grandparents on both sides, my mother's side as well as my father's side. And भगवान की दया से I was a very happy child. तो बचपन से ही मुझे बहुत ज़्यादा तवज्जो और बहुत ज़्यादा affection मिला. मेरे father जो थे वो air force में थे और बहुत हिम्मती थे. तो जब आई वॉज 11, 12, आई यूज टू प्ले टेबल टेनिस. उस समय आई वॉज सेलेक्टेड इन द यूपी टेबल टेनिस टीम एज अ सब जूनियर. आई वॉज 11 and a half. तो हमें टूर्नामेंट खेलने बाहर जाना था और टीम के हमारे कोच हमारे घर आए कि आप गरिमा को जाने दीजिए, शी इज अ सब जूनियर दिस थिंग. तो उस समय तो माई मदर सेड नो शी कांट गो, शी इज टू स्मॉल, शी इज जस्ट 11 ईयर्स एंड आई कांट लेट हर गो विद अनअटेंडेड. तो उन्होंने बहुत पर्सुएड किया बट माई मॉम वॉज वेरी वेरी हेजिटेंट. एंड देन माई डैड केम इन द इवनिंग एंड द कोच ही केप्ट सिटिंग देयर वेटिंग फॉर माई फादर टू कम. व्हेन ही केम ही टोल्ड आस्क्ड हिम, सो ही सेड या श्योर लेट हर गो, शी विल ग्रो अप टू बी अ कॉन्फिडेंट चाइल्ड. मैं मॉम से ये तो छोटी है 11, 11.5 साल की, ये कैसे जाने दे, ऊपर से लड़की है, सेफ्टी और सिक्योरिटी की भी बात होती है. सो डैडी सेड वी विल डील विद इट व्हेन इफ अ सिचुएशन हैपेंस, बट लेट हर गो नाउ, सूनर और लेटर यू हैव टू मेक हर इंडिपेंडेंट एंड स्ट्रांग. सो दैट वॉज माई फर्स्ट फॉरे इन द आउटसाइड वर्ल्ड विदाउट पेरेंटल सुपरविजन. एंड सिंस देन आई हैव बीन गिवन ऑल द फ्रीडम, ऑल द कॉन्फिडेंस, all the self-esteem and encouragement from my parents, both my mother and my father. And then I was very fortunate to marry a very brave man. His name is Manoj Kumar Lal. He's 88 batch IPS officer. Okay. And he also gave me a lot of space to grow, not only in Delhi Police, but jab mera pehla United Nations ka selection hua. So he's the one who helped me prepare for that interview. And he's the one who helped me prepare my questions and everything. Aur jab mera selection hua, so he was one of the first persons to feel so happy and proud. So I'm very lucky in this that I got encouragement from everywhere in my family to achieve whatever I wanted to achieve, chahe wo as IPS ho, chahe wo as additional DCP ho. I remember कि मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ एंड माई पेरेंट्स वुड डिवाइड द टाइम 6 months 6 months सो दैट आई कुड बी इन द फील्ड एंड माई चाइल्ड कुड बी लुक्ड आफ्टर वेल एट होम. सो मेरे बेटे को कभी भी अकेले नहीं रहना पड़ा घर में. इट वॉज आइदर माई पेरेंट्स हुआ देयर और माई हस्बैंड्स पेरेंट्स हुआ देयर. दे सैक्रीफाइस्ड अ लॉट बट
they were always there and my sister-in-law she used to stay with me so she used to say bhabhi aap jaiye uski padhai likhai ki koi chinta nahi so I was very lucky and I've been very lucky in both my parent-in-laws my husband and now my son he's like 24 years and he feels very proud he says mama I feel so proud that you're doing so well and you're so confident आप दिल्ली में ही नहीं यू कम टू न्यूयॉर्क यू स्टेइंग हियर अलोन यू आर वर्किंग विद द यूनाइटेड नेशंस यू आर ट्रैवलिंग टू अफ्रीकन कंट्रीज विदाउट एनी पार्टनर्स यू आर ट्रैवलिंग अलोन यू आर गोइंग टू मिशंस सो आई फील सो हैप्पी एंड प्राउड आई हैवंट सीन सो मेनी कंट्रीज दैट यू हैव सीन मैम वो चमक आपकी आंखों में दिख रही है क्योंकि एक फैमिली के सपोर्ट के बगैर एक फीमेल के लिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है मैम क्योंकि 8 मार्च आने वाला है फीमेल्स डे है मैं ऐसी फीमेल्स के लिए कुछ आपसे गुजारिश करूंगी बोलिए कि जो काफी डरी हुई हैं काफी करना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनको फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता एक मैसेज उनके लिए जरूर दे दीजिए मैसेज में यही कहूंगी कि जो डर गया वो मर गया और जिसके कोई सपने नहीं है आगे बढ़ने के उसका जीना ना जीना बराबर है सो बी स्ट्रॉन्ग अगर आपको लोग सपोर्ट नहीं करते हैं आप अपने ऊपर अपने को सपोर्ट करें अपने पे विश्वास करें और अपने सपनों को जरूर संजोएं सपने जरूर देखें क्योंकि जो सपने देखता है वही सपने अचीव करता है और जो जिसने सपना देखा ही नहीं तो वो क्या ख्वाब अचीव करेगा सो बी ब्रेव बी बोल्ड और लोगों को कन्विंस करें और लोग कन्विंस होंगे अगर आप में कॉन्फिडेंस है और आप में अचीवमेंट ओरिएंटेशन है लोग जरूर कन्विंस होंगे और आप जरूर सक्सेसफुल होंगे थैंक यू मैम इंडिया 18 से बात करने के लिए आज हमारे साथ ही स्पेशल कमिश्नर गरिमा भटनागर जी जिन्होंने हमारे साथ अपने जीवन के खास पहलुओं को साझा किया और साथ ही उन महिलाओं के को आगे बढ़ने की बात बोली जो कहीं ना कहीं अंदर से कुछ करना चाहती हैं लेकिन परिवार का सपोर्ट नहीं है और एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा डर के आगे जीत है जो मैम एक बार दोबारा से वो डायलॉग बोलिएगा जो डर गया वो मर गया जो डर गया वो मर गया जी हाँ शायद महिलाओं को अब डर से निकलकर आगे की लाइफ जीनी होगी मैम सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जैसे कि आपने कहा कि फैमिली का एक सपोर्ट है वो आपकी आंखों में दिख रहा है कहीं ना कहीं आपकी आंखों में नमी भी हमें साफ दिख रही है एक हस्बैंड होता है जो कहते हैं कि बहुत बड़ा बैक सपोर्ट होता है आपने सर के बारे में कहा कि आप आपको बड़ा हेल्प किया पढ़ाई लिखाई में हर चीज में मैम कभी ना कभी ऐसा भी एक पल आता है कि आप यूएन में हैं सर यहाँ पे हैं वो डिस्टेंस बहुत लंबा हो जाता है तो फिर किस तरीके से आप अगर मिलना है फैमिली की बातें हैं हालांकि फोन है लेकिन फोन नहीं कर पाते कई बार तो कैसे मैम कैसे मैनेज करते थे क्योंकि फैमिली की भी याद आ रही है बच्चे की भी याद आ रही है उस समय बहुत इमोशनल एक फीमेल के लिए होता है टाइम क्योंकि आपको अपना काम भी देखना है और फैमिली भी मिस कर रहे हैं आई एम लकी दैट वे आई एम नॉट अ वेरी इमोशनल पर्सन इन द सेंस कि व्हेन आई वेंट आउट द फर्स्ट टाइम आई वॉज हैप्पी क्योंकि मुझे नए गोल्स दिख रहे थे नए अचीवमेंट्स दिख रहे थे और बिकॉज आई हैड माई फैमिली सपोर्ट इंक्लूडिंग माई हस्बैंड सपोर्ट तो मुझे कभी ये नहीं लगा कि मैं अपनी फैमिली से दूर हो रही हूँ हमेशा ये लगा कि आई एम गोइंग आउट इन द वर्ल्ड मैं नई चीजें देखने जा रही हूँ नई चीजें करने जा रहे हैं नए नाम कमाने जा रहे हैं और वो जो गुस्से को लेके जो जज्बा और कॉन्फिडेंस था दैट ओवरकेम माई हेजिटेशन अबाउट लीविंग द फैमिली और दूसरा चीज हम माई पेरेंट्स और माई हस्बैंड हम लोगों ने हमेशा ये सोचा कि हम लोग मिलना जुलना नहीं छोड़ेंगे सो आई यूज टू इंटरैक्ट ऑन नॉट ओनली ऑन द फोन बट एवरी मोमेंट आई वुड गेट वेर आई कुड गेट लीव और समथिंग आई वुड कम टू इंडिया ट्वाइस अ ईयर माई हस्बैंड वुड कम ट्वाइस अ ईयर हियर एंड वी वर लकी कि हम लोग कमा रहे थे और ठीक से थे तो हम ये कर सकते थे सो वी वर एबल टू बी इन टच विद ईच अदर एंड देन मेरा बेटा पहली बार तो मेरे साथ ही गया था सो ही वॉज विद मी इन एनी केस एंड माई मदर हैड गॉन विद मी टू लुक आफ्टर हिम फॉर
full 2 years, leaving my dad behind. So that is the extent of support I had from my family, and that gave me a lot of confidence, and that gave me a lot of trust in relationships. तो मैम की आंखों में साफ मुझे दिख रहा था जो एक परिवार का एक प्यार है, एक फीमेल को कहाँ से कहाँ पहुंचा सकता है. जैसा कि आपने सुना कि फीमेल्स को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित मैम ने किया है. आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप सब जुड़े रहिए इंडियाज 18 के साथ. नमस्कार.